का घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, श्री यमुना महारानी जो हम सबकी भी परम आराध्य हैं, जो भी जैसे ब्रज से आज शास्त्री जी पधारे हैं तो हम सबकी भी प्राण जो है वो यमुना महारानी है। और पुष्टि में भी श्री यमुना महारानी को अत्यंत श्रेष्ठता प्राप्त है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, भागवत के ये भागवत में दो महात्म्य हैं, जिसने भागवत पढ़ी होगी उसको पता होगा, 12 स्कंद हैं, उससे एक है पूर्व महात्म्य जो आप सब सुनते हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य गोकर्ण धुंधकारी सच्चिदानंद रूप आदि आदि, ये सब पूर्व महात्म्य है। एक है उत्तर महात्म्य, भागवत जब विश्राम हुई उसके बाद भी एक महात्म्य लिखा गया है 6 अध्याय का। उस महात्म्य में ये कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ के अपनी लीला विश्राम करके जब गोलोक चले गए तो उनके जाने के बाद 8 जो रानियां थी उनको तो ठाकुर जी संग ले गए, लेकिन जो 16,000 रानियां थी वो सब यहीं पृथ्वी पर रही। तो 16,000 जो भगवान की रानी है वो सब कृष्ण के जाने के बाद एकदम विचलित व्यथित हो गई, परेशान रहती अब क्या करें कहाँ जाएं। तब उन्होंने देखा कि यमुना जो है वो बड़ी प्रसन्न रहती है, एकदम आनंद में आच्छादित होके। तो रानियों ने यमुना जी से पूछा कि हे यमुने, हे कालिंदी, तुम भी तो कृष्ण की पटरानी हो, क्या तुमको कष्ट दुख नहीं होता कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए? हम तो दिन रात उनके लिए रोती, तुम इतनी खुश क्यों? तब ब्रज का भाव कहता है कि उस समय यमुना ने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने कृष्ण के जाने के बाद राधा की शरण ग्रहण कर ली, मैं राधा नाम का उच्चारण करती हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह जो है वो संतप्त नहीं करता। तो उन सब रानियों को वो पूरा चरित्र श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रीमद् भागवतम के रूप में गिरिराज गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर सुनाया गया। आज भी वहाँ पर भक्त जाते, दर्शन करते, वहाँ भगवान की रानियों ने बैठ करके श्री श्रीमद् भागवत और श्री राधा चरितामृत का पान किया। जैसा मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भागवत में राधा नाम इतने विस्तार से नहीं है, इसलिए लोग राधा चरित्र को समझ नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं कि श्री राधा कौन थी, कृष्ण की अहलादिनी शक्ति श्री राधा, कृष्ण का प्राण श्री राधा। उन राधा रानी के तत्व को जानना है तो मुझे लगता है कोई सच्चा जो ब्रज से प्रेम करने वाला होगा या ब्रजवासी होगा वही श्री राधा रानी के उस चरित्र को समझ सकता और कह सकता है। बहुत सारे लोगों ने राधा रानी को कुछ कुछ बना दिया, कोई कहता प्रेमिका थी, कोई कहता कृष्ण को, कृष्ण धोखा दे दिया राधा को, आदि आदि अनेकों कहानियां बनाते हैं। हम राधा रानी ने ऐसी प्रेरणा दी है पिछले 2 वर्षों से जब से कोविड हुआ, क्या था कोविड में तो सब कुछ कथाएं बथाएं बाहर बंद थी, और इस कोविड के दौरान बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं ये नहीं कहती कि ये घटना अच्छी रही, कोविड ने बहुत जीवन को अस्त व्यस्त किया, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा समय चाहिए जब आदमी थोड़ा रुक जाए और रुक करके थोड़ा ब्रेक लग के वो अपने आप को पहचान पाए। तो मुझे वो समय मिला 2 साल, किसी से मिलना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, अध्ययन पहले भी हमेशा चलता रहा है गुरु कृपा से, पर ये 2 वर्ष विशेष अध्ययन में गए, और उस अध्ययन में विशेषकर हमारी जो गौड़िया पद्धति के ग्रंथ हैं, श्री श्री राधा रस सुधा निधि, श्री विलाप कुसुमांजलि आदि आदि अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं, सबका पाठ किया और विशेष जाना राधा रानी के बारे में। फिर मन में भाव आया कि एक कथा ऐसी हो जो पूर्ण रूप से राधा रानी को समर्पित हो, उसमें केवल राधा रानी की चर्चा हो। तो ये वर्ष का जनवरी महीना और लास्ट ईयर जनवरी, 2 वर्ष से लगातार हम 7 दिन की एक कथा करते हैं जिसका नाम होता है श्री श्री राधा चरितामृत। वो 7 दिन की कथा ही होती है,
उसमें केवल और केवल राधा रानी की चर्चा। राधा रानी जो लोग जानते नहीं हैं कि कौन थी श्री राधा, कृष्ण से मिलन प्रथम बार कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, वियोग कैसे हुआ, कुरुक्षेत्र में कैसे मिली श्री राधा, वो प्रसंग आदमी पढ़े या सुने तो एकदम हृदय पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा। ऐसा है श्री राधा चरितम। आपको भी अगर मन हो राधा रानी को जानने का, वैसे तो मेरी वाणी में सामर्थ्य मेरी क्या, यो ब्रह्म रुद्र शुक शंकर भीष्म मुख्य इरा रक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य ब्रह्मा सद्यो मनंत सत्यम श्री राधिकाम। अब ये एक ब्रजवाला ही कह सकता है, ब्रजवासी ही जानता है। ब्रह्मा विष्णु भीष्म शुक नारद ये जितने हैं ये सब एक इच्छा लेके पड़े रहते, क्या, राधा रानी के चरणों की रज मिल जाए, चरणों की धूल मिल जाए। और आज तो मेरे पास एक वोट भी है। सचमुच यकीन मानिए, हम ब्रजवासियों के पास, हम गाते भी हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन यही है हमारे पास, ब्रजवासियों के पास। आप देखो कभी ब्रज जाके, कोई बहुत बड़ा आपको ब्रजवासी, कोई बड़ा बिजनेसमैन धंधे वाला आपको मिलेगा नहीं, सूखी रोटी खाते हैं, छाछ पीते हैं, माखन खाते हैं और राधे राधे गाते हैं। वही हमारा धन, वही हमारा प्राण है। एक ही आशा और दूसरी कोई आशा नहीं कि एकमात्र श्री राधा रानी के चरणों की जो रज, जो कण है, जो धूल है, वो प्राप्त होना। श्री व्यास जी ने गाया, हरि राम व्यास जी का एक पद है, चरण की रज पाऊं किशोर
जननकी राजपाल।